हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक ई नईम। और मैं नईम मिर्ज़ा आपके लिए इस बार लेके आया हूँ कि आप कैसे अपने हार्ड ड्राइव को, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, मेरे पास यहाँ पर एक ये हार्ड ड्राइव है जो कि 1.5 TB की है, ये वाली जो है मेरी 1 TB की हार्ड ड्राइव है, और जो ये हार्ड ड्राइव है वो है 2 TB की। तो इसके अंदर मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह रखा हुआ है, इसके अंदर मेरे गेम PC के गेम्स के बैकअप्स वगैरह रखे हुए हैं, एक्सबॉक्स की गेम्स के बैकअप्स रखे हुए हैं, अपने घर के फैमिली फोटोज वीडियोस वगैरह रखे हुए हैं। तो इन हार्ड ड्राइव को मैंने दरअसल पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने हार्ड ड्राइव को कैसे पासवर्ड लगा के प्रोटेक्ट कर सके, ताकि कोई भी इन हार्ड ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगा के, यानी आपकी एब्सेंस में, आपसे बिना पूछे अगर वो अपने कंप्यूटर में लगाए तो एक पासवर्ड उससे पूछा जाए, और वो पासवर्ड डालने के बाद ही वो इन हार्ड ड्राइव का डेटा जो है वो देख पाए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए, और इस वीडियो में मैं आपको विंडोज़ का जो इनबिल्ट फीचर है उसके ज़रिए और कुछ 2-3 सॉफ्टवेयर वगैरह है उसके ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी हार्ड ड्राइव पर कैसे एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं और इनको इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये रहा मेरा विंडोज़ PC जिसमें कि मैंने विंडोज़ 10 इंस्टॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ माय कंप्यूटर, और अब मैं लगाता हूँ अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये EF जो है वो है मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जैसा कि यहाँ पर साइज दी हुई है 1.81 TB, यानी 2 TB की हार्ड ड्राइव है ये। तो अब अगर मुझे इसे विंडोज़ के इन बिल्ट फीचर से इनक्रिप्ट करना है तो मुझे बस अपने माई कंप्यूटर में अपने हार्ड ड्राइव के ऊपर यहाँ पर जैसा कि आप ऑप्शन देखेंगे एक टर्न ऑन बीट लॉकर, तो मुझे बस इसे टर्न ऑन बीट लॉकर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप चूज़ हाउ यू वांट टू लॉक और अनलॉक दिस ड्राइव, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा, यूज़ ए पासवर्ड टू अनलॉक दिस ड्राइव। तो यहाँ पर बस मुझे अपना एक पासवर्ड सेट कर देना है कोई भी। तो यहाँ पर जैसा मैं पासवर्ड सेट करता हूँ ASDF, और री इंटर पासवर्ड कर देता हूँ वापस से ASDF। तो बस मैं इसे ओके करता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन, यूज़ माई स्मार्ट कार्ड टू अनलॉक दिस ड्राइव, यू विल नीड टू इंसर्ट योर स्मार्ट कार्ड, द स्मार्ट कार्ड पिन विल बी रिक्वायर्ड व्हेन यू अनलॉक द ड्राइव। तो अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे अनटिक ही रहने दूंगा, और यहाँ पर तो यहाँ पर जो है वो इतना इजी पासवर्ड हम नहीं डाल सकते। यहाँ पर पासवर्ड शुड कंटेन अपर केस एंड लोअर केस लेटर नंबर स्पेस एंड सिंबल। तो यहाँ पर पासवर्ड मैं रख देता हूँ, ZXC space 345 dot। यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ ZXC space 345 dot। और अब मैं इसे नेक्स्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया ये, सम सेटिंग्स आर मैनेज्ड बाय योर सिस्टम, इफ़ यू फॉरगेट योर पासवर्ड और लॉस योर स्मार्ट कार्ड यू कैन यूज़ योर रिकवरी की टू एक्सेस योर ड्राइव। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसे प्रिंट ले सकता हूँ, इसे एक फ़ाइल में सेव कर सकता हूँ। तो मैं अभी के लिए सेव टू ए फाइल कर देता हूँ, और फाइल जो है वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ म्यूज़िक फोल्डर के अंदर एक टेक्स्ट फाइल से सेव कर देता हूँ, और फिर अब करता हूँ नेक्स्ट। तो
तो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि आप आपके ड्राइव को कितना एनक्रिप्ट करना चाहते हैं। इफ यू आर सेटिंग Now, bitlocker on a new drive or a new PC, you only need to encrypt the part of the drive that's currently being used. Bitlocker encrypts new data automatically as you edit. If you're enabling Bitlocker on a PC or drive that's already in use, consider encrypting the entire drive. Encrypting the entire drive ensures that all data is protected, even data that you deleted but that might still contain retrievable information. तो यहाँ पर बस मैं encrypt use like disk space कर देता हूँ और next करता हूँ और Based that can mode from this device based from fixed drive on this computer. तो यहाँ पर मैं compatible mode कर देता हूँ, इनको next करता हूँ। तो यहाँ पर बस आपको start encrypting करके बस ये drive अभी encrypt हो ही रही है। अभी 0.03% कंप्लीट हो गई है। तो ये हार्ड ड्राइव, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी हार्ड ड्राइव है जो कि 2 TB की हार्ड ड्राइव है, इसलिए इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। तो चलिए एक बार ये हो जाता है तो मैं उसके बाद आपको बताता हूँ जब ये 100% हो जाने के बाद। तो दोस्तों, इंक्रिप्शन की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है और मैंने अपने हार्ड ड्राइव को रिमूव कर लिया है। अब देखो, मैं इसे वापस से लगा के अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट किया, तो देखते हैं अब कंप्यूटर जो है वो इसे अनलॉक करने के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया अनलॉक ड्राइव इफ द ड्राइव इज बीट लॉकर प्रोटेक्टेड। तो चलिए मैं एक बार इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, इंटर पासवर्ड टू अनलॉक दिस ड्राइव। तो चलिए मैं एक बार पासवर्ड यहाँ पर डाल लेता हूँ। पासवर्ड हमारा था ZXC स्पेस 3 4 5 डॉट, और मैं इसे करता हूँ अनलॉक। तो सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्राइव जो है मेरी यहाँ पर शो हो गई है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है ड्राइव हम ओपन कर सकते हैं। ये रही मेरी पूरी ड्राइव। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था जो कि विंडोज़ का एक ऑफिशियल जो कि एक मेथड है ड्राइव को इनक्रिप्ट करने का। यहाँ पर एक दूसरा भी, अगर हम कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर काम में ले तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर में मिलता है स्टोरेज क्रिप्ट नाम का। तो चलिए एक बार मैं आपको इसे ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पर हम इसे यस करेंगे और यहाँ पर मैं, आप इसका फुल वर्जन खरीद सकते हैं। तो मैं बस आपको बताने के लिए मैंने इसका डेमो वर्जन या ट्रायल वर्जन इंस्टॉल किया है। तो बस इसे ट्रायल वर्जन हमें 7 दिन का मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर ये मेरी कंप्यूटर की जो ऑफिस जो इंटरनल हार्ड ड्राइव वो है और जो मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वो है। यहाँ पर इंक्रिप्शन हमें डीप इंक्रिप्शन करना है, कोई इंक्रिप्शन करना है, पोर्टेबल ऑफ वन टाइम करके हम यहाँ पर पासवर्ड डालकर उसे कंफर्म करके हार्ड ड्राइव को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बस यही बताना था मुझे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज कोई भी अगर मुझसे सीखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे सोशल नेटवर्क पर भी फॉलो कर सकते हैं जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बस इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब टेकी नाइम एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑन माय चैनल।